हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर एक नई वीडियो में। और आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप कुछ इस तरह का वीडियो कैसे क्रिएट कर सकते हैं। इस तरह का वीडियो क्रिएट करना बहुत ही आसान है। अगर आपको सीखना है तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखते रहिए। अगर आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देख लेते हैं तो आपसे इसी तरह का वीडियो क्रिएट करना सीख जाएंगे। तो बिना लेट किए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इस तरह का वीडियो क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाना है और वहाँ मैंने दो प्रीसेट का लिंक दिया है, दोनों को आपको अपने अलाइट इमोशन एप्लीकेशन में इनपुट कर लेना है। इनपुट करने के बाद आगे का प्रोसेस हम अपने अलाइट इमोशन एप्लीकेशन पे करेंगे। तो चलिए हम इसको ओपन कर लेते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हम अपने अलाइट इमोशन एप्लीकेशन को ओपन कर चुके हैं और अपने बीट मार्क वाले प्रीसेट को भी ओपन कर चुके हैं। इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हम अपने सॉन्ग को बीट के हिसाब से मार्क कर चुके हैं। इसके बाद हम स्टार्टिंग पे आ जाएंगे। स्टार्टिंग पे आने के बाद हम इन दोनों लेयर में अपना फोटो एड करेंगे। तो लेयर में फोटो एड करने के लिए सबसे पहले हम दूसरे वाले लेयर को सिलेक्ट करेंगे, कलर एंड फिल पे क्लिक करेंगे। फिर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम अपना फोटो सिलेक्ट कर लेंगे। फोटो सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ प्लस पे क्लिक कर लेंगे। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हम अपने दूसरे लेयर में फोटो एड कर चुके हैं। इसके बाद फिर हम पहले वाले लेयर को सिलेक्ट करेंगे, एडिट ग्रुप पे क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे आपको तीन लेयर देखने को मिलेगा, तीनों लेयर में आपको एक ही फोटो ऐड कर लेना है। तो चलिए हम इसको ऐड कर लेते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम पहले वाले लेयर को सिलेक्ट करेंगे, कलर एंड फिल पे क्लिक करेंगे। फिर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम अपना फोटो सिलेक्ट कर लेंगे। फोटो सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ प्लस पे क्लिक कर लेंगे। इसके बाद फिर हम दूसरे वाले लेयर को सिलेक्ट करेंगे, कलर एंड फिल पे क्लिक करेंगे। फिर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ भी उसी फोटो को सिलेक्ट कर लेंगे। फोटो सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ प्लस पे क्लिक कर लेंगे। इसी तरह से आपको तीनों लेयर में एक ही फोटो ऐड कर लेना है। तो चलिए हम इसको ऐड कर लेते हैं। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हम अपने तीनों लेयर में एक ही फोटो ऐड कर चुके हैं। इसके बाद हम थोड़ा सा आगे जाएंगे, जहाँ तक हमारा फोटो है वहाँ पे हम आ जाएंगे। फिर हम यहाँ से लेके एंड तक बीट के हिसाब से फोटो ऐड करेंगे। तो चलिए हम इसको ऐड कर लेते हैं। फोटो ऐड करने के लिए सिंपली हम यहाँ प्लस पे क्लिक करेंगे, मीडिया पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम अपना फोटो ऐड कर लेंगे। फोटो ऐड करने के बाद हम यहाँ थ्रेड पे क्लिक करेंगे। फिर हम यहाँ फिल कंपोजिशन एरिया पर क्लिक करके हम इस फोटो को फुल स्क्रीन कर लेंगे। इसके बाद हम थोड़ा सा आगे जाएंगे, जहाँ पे हमारा नेक्स्ट बीट मार्क है वहाँ पे हम आ जाएंगे। फिर हम यहाँ पे क्लिक करके इसके एक्स्ट्रा पार्ट को काट करके डिलीट कर देंगे। इसके बाद फिर हम यहाँ प्लस पे क्लिक करेंगे, मीडिया पर क्लिक करेंगे और अपना दूसरा फोटो ऐड कर लेंगे। इसके बाद हम यहाँ थ्रेड पे क्लिक करेंगे। फिर हम यहाँ फिल कंपोजिशन एरिया पर क्लिक करके हम इस फोटो को भी फुल स्क्रीन कर लेंगे। इसके बाद हम थोड़ा सा आगे जाएंगे, जहाँ पे हमारा नेक्स्ट बीट मार्क है वहाँ पे हम आ जाएंगे। फिर हम यहाँ पे क्लिक करके इसके एक्स्ट्रा पार्ट को काट करके डिलीट कर देंगे। इसी तरह से एंड तक अपना फोटो ऐड कर लेंगे। तो चलिए हम इसको ऐड कर लेते हैं। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एंड तक हम अपना सारा फोटो ऐड कर चुके हैं। इसके बाद हम इन सारे फोटो पे इफेक्ट ऐड करेंगे। इफेक्ट ऐड करने के लिए सिंपली हम बैक जाएंगे और अपने इफेक्ट वाले प्रीसेट को ओपन करेंगे। इफेक्ट वाले प्रीसेट को ओपन करने के बाद हम इस फोटो को सिलेक्ट करेंगे, इफेक्ट पर क्लिक करेंगे। फिर हम यहाँ थ्रेड पर क्लिक करेंगे और यहाँ कॉपी इफेक्ट पर क्लिक करके हम इस इफेक्ट को कॉपी कर लेंगे। इसके बाद फिर हम बैक जाएंगे और अपने बीट मार्क वाले प्रीसेट को ओपन करेंगे। बीट मार्क वाले प्रीसेट को ओपन करने के बाद हम थोड़ा सा आगे जाएंगे, जहाँ से हमारा फोटो स्टार्ट हो रहा है वहाँ पे हम आ जाएंगे। फिर हम पहले वाले फोटो को सिलेक्ट करेंगे, इफेक्ट पर क्लिक करेंगे। फिर हम यहाँ थ्रेड पर क्लिक करेंगे और यहाँ पेस्ट इफेक्ट पर क्लिक करके हम इस इफेक्ट को यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे। इसके बाद फिर हम नेक्स्ट फोटो को सिलेक्ट करेंगे। फिर हम यहाँ इफेक्ट पर क्लिक करेंगे और यहाँ थ्रेड पर क्लिक करके पेस्ट इफेक्ट पर क्लिक करके हम इस इफेक्ट को यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे। इसी तरह से हम सारे फोटो पे इस इफेक्ट को पेस्ट कर लेंगे। तो चलिए हम इसको पेस्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हम अपने सारे फोटो पे इफेक्ट ऐड कर चुके हैं। तो फाइनली हमारा वीडियो क्रिएट हो चुका। तो चलिए हम एक बार प्ले करके देख लेते हैं कि हमारा वीडियो देखने में कैसा है। तो दोस्तों, हमारा वीडियो देखने में काफी अच्छा लग रहा है। अगर इसे हमें सेव करना है, सिंपली हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ एक्सपोर्ट पर क्लिक कर लेंगे। एक्सपोर्ट पर क्लिक करने के बाद हमारा वीडियो एक्सपोर्टिंग हो रहा है, हम कुछ देर वेट करते हैं। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा वीडियो एक्सपोर्टिंग हो चुका। इसके बाद हम यहाँ सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, हमारा वीडियो गैलरी में सेव हो जाएगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए।